हाय एवरीवन, वेलकम सीयूडी बाय सुपर ग्रैंड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं यार, सीयूडी 2024 की फॉर्म फिलिंग के अराउंड मैं आपके लिए गाइडेंस वीडियो लेकर आ रहा हूं, जहां पर मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अब सीयूडी 2024 की फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, पहले ही आपको पता हो जाना चाहिए, जिससे कि जैसे ही फॉर्म फिलिंग अनाउंस हो आप उसमें कोई भी गलती ना करें। देखिए, जब भी आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखाई देखने को मिलती है, जहां पर आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर में, 80% फेस जो है उसके अंदर विजिबल होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी में स्कैंड फोटोग्राफ और आपका स्कैंड सिग्नेचर भी होना चाहिए, 10 KB से लेकर 200 KB तक। इसका चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना। साइज ऑफ द स्कैंड सिग्नेचर भी यहाँ पर लिखा हुआ, 4 KB से लेकर 30 KB तक। और जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनका होना चाहिए 50 KB से 300 KB, और द साइज ऑफ द स्कैंड कॉपी ऑफ द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वो 50 KB से 300 KB। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। इस तरीके का वो पासवर्ड होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर बड़ा, और एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर जरूर होना चाहिए एटलीस्ट, और एक एटलीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होनी चाहिए, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इनमें से। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये पासवर्ड वहां पर देंगे। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से लॉग इन करेंगे तो ये पर्सनल डिटेल्स आपको वहां फिल करनी होगी, अपना नाम एज पर दी क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जहां पर आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, जो कि आप एज अ प्रूफ रखते हैं अपने पास। फादर का नाम, मदर का नाम, गार्जियन है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है एज पर दी 10th सर्टिफिकेट। ध्यान रखना इस बात का, जेंडर, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी टाइप कोई भी अगर ऐसा है तो कोई मार्क है या कुछ, और वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर आधार कार्ड, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका स्कूल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी कुछ रहेगा सब कुछ यही आएगा, जो कि आप हमेशा यूज करेंगे आगे तक। उसके बाद अपना एड्रेस वाली डिटेल्स आपकी आएंगी, भाई आपका कौन सा, कहाँ पर आप है, लोकेलिटी क्या है, कंट्री कौन सी, पिन कोड कौन सा, ईमेल एड्रेस आपका, आपको ये कंफर्म करना होगा, फिर मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर मोबाइल नंबर पर जैसे यहाँ पर करेंगे कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर से एक ओटीपी आएगा, जिससे कि ये पूरी तरीके से सारी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। ये सब चीजें यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल, तो ये सारी चीजें सबमिट होकर फिर से ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, आप उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये तीन प्रोसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ कर चुके होंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर अपना फी पे करेंगे। अब आती है देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये तीन फेजेस हैं इस फॉर्म फिलिंग के। तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको ये सारी बातें भरनी होती है, क्लास 10th के लिए अलग से भरना होता है, क्लास 12th के लिए अलग से भरना होता है। रिजल्ट स्टेटस क्लास 10th का तो ऑब्वियस ही बात है आ चुका होगा, तो पासिंग ईयर डालेंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस कौन सा स्कूल है, स्कूल है या कॉलेज है, क्या टाइप है, ठीक है, कंट्री कौन सी है, इस कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से बोर्ड से आप लोग हैं, आपका रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है या फिर सीजीपीए वाला है, आपका रोल नंबर, ये सब कुछ आपको डालना होगा 10th के लिए और 12th के लिए भी। 12th के लिए ड्रॉपर बच्चे तो समझ गए होंगे, लेकिन जो अपियरिंग है वो वहां पर रिजल्ट स्टेटस अपियरिंग क्लास 12th यहाँ पर डालेंगे, और उसके हिसाब से अपनी सारी चीजें भरेंगे। फिर किस सिटी में आप चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल हो, सिटी का प्रेफरेंस यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर उस सिटी में जो भी सेंटर होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिटी टू का प्रेफरेंस देंगे, उस सिटी में जो भी सेंटर होंगे उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि यार यूनिवर्सिटी का नाम और आपका कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम सेलेक्ट करेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीकॉम सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप अपना यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम की प्रेफरेंस यहाँ पर डालेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर डालते हैं, ऐड करते हैं, तो वहां पर फिर एक लिस्ट भी शो होती है जो आपको बताती है कि भैया प्रोग्राम नेम ये है, यूनिवर्सिटी नेम ये है, और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपियर इन दिस यूटी एग्जामिनेशन, वो लिस्ट बता देगा कि लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस आपका जनरल टेस्ट, जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उस यूनिवर्सिटी का, उस प्रोग्राम का, वो यहाँ पर शो होगा आपको। और फिर एक्शन आपको दिखाई देंगे कि ऐड या रिमूव का ऑप्शन। अब देखिए टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। 2023 में यही था, 2024 में कुछ हो सकता है चेंज देखने के लिए मिले। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट टेस्ट चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोमेन की अगर मैं बात करूं, डोमेन और जनरल टेस्ट खासकर, ये जब भी जैसे ही आप चूज करेंगे तो यहां पर मीडियम भी आने लगेगा,
अगर मैंने यहाँ पर फिजिक्स डोमेन चूज करा तो यहाँ पर मीडियम आएगा इंग्लिश या हिंदी या कौन सा ही, वो जो 13 लैंग्वेजेस है ना वो मीडियम कौन सा है। फिर इसी तरीके से सब्जेक्ट, अगर आप यहाँ पर केमिस्ट्री चूज करते हैं या मैथ चूज करते हैं, कुछ भी आप चूज करते हैं, तो फिर एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स, जितने भी डोमेन पेपर जनरल आप चूज करेंगे तो उनके यहाँ पर आपको भाषा भी चूज करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर अब एक सेक्शन ऐसा आता है जब आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होता है, और फिर आप प्रोसीड टू प्रीवियस सेक्शन पर भी जा सकते हैं या फिर प्रीवियस सेक्शन देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन या फिर ये प्रीव्यू करेंगे अपना फॉर्म, सारा का सारा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाता है, फाइनल सबमिट आप करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है फी पेमेंट का, तो आप फिर फी पेमेंट करते हैं। वो फी पेमेंट किस हिसाब से होती है, जितने भी आप सब्जेक्ट टेस्ट यहाँ पर चूज करते हैं उस हिसाब से, जैसे 3 के लिए अलग है, 7 के लिए अलग है और 10 के लिए अलग है। इस तरीके से आप लोग सीयूटी 2024 का फॉर्म फिल करेंगे। आई थिंक अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए फॉर्म फिलिंग के दौरान बच्चे बहुत सी गलती करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी वीडियोस बना दी जाए जिससे कि बच्चे पहले से ही तैयार हो जाएं, चाहे वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, चाहे वो फॉर्म फिलिंग रिलेटेड है, या फिर कोर्स या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। विश यू वेरी गुड लगन, थैंक यू वेरी मच।